हाय गाइस, चिराग जतिक दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग चैनल। अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपनी रिजेक्शंस को, इफ यू आर इनटू सेल्स एंड आपको रिजेक्शंस फील होती है, आपको रिजेक्शन से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आती है, तो कैसे हम अपनी रिजेक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड हम हमेशा, जब भी हमें नो सुनने को मिलता है, जब भी हमें मना करता है कोई पर्सन, तो हमें नेगेटिविटी आती है क्योंकि हमें किसी ने मना किया है। अगर मैं सेल्स से अलावा इसको उठा के देखूं टॉपिक को, अगर आप किसी को अप्रोच करोगे, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, वो नो बोल दे, तब भी आपको रिजेक्टेड फील होगा, तब भी आपको बुरा लगेगा। सेम्स हैपन विद लाइक, आप कहीं किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ, कोई मना करता है, इवेंचुअली आपको कोई भी पर्सन, आप किसी से बोलते हो मुझे मनी चाहिए, मुझे मनी बोरो करना है, वो मना कर दे, शायद आपको तब भी बुरा लगेगा, राइट? तो ये नो वर्ड ऐसी चीज है जहां से हमें बहुत ज्यादा रिजेक्टेड फील होता है। तो एक कारण मैं आपको बताने वाला हूं, इसका क्या चीज रहेगी, कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, अगर आप चाहोगे इस वीडियो की मदद से आपके रिजेक्शन आना बंद हो जाए लाइफ में, तो इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ भी रिजेक्शन आते हैं, जो सेल्स के महागुरु होते हैं उनको भी रिजेक्शन मिलता है, बट वो अपनी लॉ ऑफ एवरेज को धीरे धीरे सुधार लेते हैं। अब ये लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, दैट इज अपनी लॉ ऑफ एवरेज को पहले सुधारने से पहले अपनी लॉ ऑफ एवरेज को देखो, कैलकुलेट करो कितनी है। अब ये लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है, लॉ ऑफ एवरेज मींस एक एवरेज जिसका हमें पता होता है कि अगर हम 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें वहां से 2 सेल्स मिलेगी, अगर हम बेसिकली 100 लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं हमें वहां से 5 या 10 सेल्स मिलेगी। अगर आपको इस चीज का पता है कि मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा और वहां से मेरे पास 2 बुकिंग्स निकल जाएगी, तो आपको अपनी लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता होगा। एंड इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मैं आपको वो बता रहा हूं। आपने किसी 3 टाइमिंग्स पे, मतलब जैसे आज मैंने कैलकुलेट किया, कल किया एंड परसों किया, राइट? सो 3 डेज में आपको क्या करना है, अपनी कॉल्स को रेट करना है। इफ सपोज आपने अभी 10 कॉल्स किया, फिर आज आपने 100 कॉल्स किए, तो आपको देखना है 100 कॉल्स में से मेरे कितनी बुकिंग निकली है, फिर कल भी सेम आपको देखना है 100 कॉल्स करने के बाद कितनी बुकिंग निकली है, एंड परसों भी देखना है कि 100 कॉल्स करने के बाद कितनी बुकिंग निकली है। जो अगर मेरी 100 कॉल्स करने के बाद 10 बुकिंग निकल रही है एंड 1-2 दिन फ्लक्चुएट कर जाती है मेरे पास, मे बी शायद मेरे पास 10 में से 9 बुकिंग आई, किस दिन 11 आ गया, किस दिन 12 आ गया, तो मेरा एवरेज जो है वो 10 का है। कि जो आपका एवरेज है वो 10 का है, आप 100 में से 10 बुकिंग निकाल रहे हो। तो अब आपको पता होगा अगर मुझे 20 बुकिंग चाहिए तो मुझे कितने कॉल करना होगा, 200 कॉल्स। अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता लगी, हमने रिजेक्शन को साइड कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं कि पहले 50 कॉल्स हमने किया और हमारी बुकिंग ना निकली, हमें पता है 200 कॉल पे 20 निकलेगी, बिकॉज दैट इज माय लॉ ऑफ एवरेज। और ये आपका हमेशा काम करेगा, वट एवर द सिचुएशन इज, चाहे आपकी किस्मत हो, चाहे आपका डे हो या ना हो, वो काम करेगा 99.9%, राइट? ये तो होता है लॉ ऑफ एवरेज। दूसरा पॉइंट मैं क्या कहना चाहूंगा, अपनी लॉ ऑफ एवरेज को कैलकुलेट करने के बाद उस पर काम करना स्टार्ट करो। अगर हमारी लॉ ऑफ एवरेज कहती है कि 100 कॉल करने के बाद हमें 10 बुकिंग निकल रही है, तो उस 10 बुकिंग्स में से भी हमें पता है कि 10 बुकिंग निकलने के बाद हमारे पास 7 ऐसे लोग होंगे जो वो अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे, सेल्स की मीटिंग अटेंड करेंगे, राइट? एंड 7 लोगों में से शायद जो मेरी क्लोजिंग होगी, शायद एक भी क्लोज ना हो, क्योंकि मुझे अगर 10 लोग मीटिंग में आएंगे तो मुझे एक क्लोज होगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है एक ऐसे पर्सन की जिसने अभी अभी फ्रेशर आया है, एंड अगर 10 लोगों को आप अपनी मीटिंग में लेकर आते हो तो एक क्लोज होना तय है, ये लॉ ऑफ एवरेज कहती है। बट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि अपनी लॉ ऑफ एवरेज को एज पर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सुधारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी ऐसे सेल्स गुरु हैं, अगर मैं इंटरनेशनल बात करूं तो अपने कार्डून है, राइट? एंड काफी ऐसे सेल्स गुरु हैं, टॉमी रॉबिन्स हैं, वो मतलब उनकी जो लॉ ऑफ एवरेज है आज के टाइम पे, दैट इज 1-on-1, मतलब वो 10 में 10 भी क्लोज कर देते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ही होगा, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ही होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचने के लिए। तो पहली चीज हमने जो सीखी है, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। दूसरी चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, दैट इज नेवर एवर डिस्कनेक्ट योर कॉल। जब भी आप कॉल करते हो, एंड सपोज मैं अभी फर्स्ट कॉल पे हूं, आपके सामने वाले क्लाइंट ने आपको मना कर दिया फॉर अ मीटिंग, नेवर एवर डिस्कनेक्ट अ कॉल इन लाइक एग्रेशन मूड, क्योंकि बेसिकली देयर इज अ कोट कि हम यहां पर एग्रेशन जीतने नहीं आया, वी वॉन्ट ट्रांजेक्शंस। I don't want like I should be the winner of aggression. I should be the winner of argument. I want कि मेरे पास transaction आए, पैसा आए. We are into sales. तो आपको हमेशा अपनी call ना
अगर मना भी कर दिया तो उसको एक पॉजिटिव नोट के साथ कट करना है, ताकि आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके माइंड को ना एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको रीजन मिल जाएगा। रीजन बोलने का मतलब क्या है, अगर आपको पता होता है ना कि सामने वाला पर्सन उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसको फोर्स ही नहीं करते हो कि आप बाय कर लो, जस्ट बिकॉज आपको पता है, आपका ना एक वहां पर इमोशनल थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, आप बोलते हो चलो छोड़ यार इसको क्यों हमें, वाई शुड बी सेल हिम, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो फॉर द बींग राइट नाउ, है ना। बट उसके लिए आपको एक चीज करना होगा, अगर आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिव कर रहे हो सेल्स में, वैसे तो इमोशन खेलना नहीं चाहिए बट फिर भी आप एक्टिव कर रहे हो, तो फिर भी आपको क्या करना है, इसके लिए अगला पॉइंट मैंने लिखा, दैट इज गेट टू मोर पीपल। अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक मिलो, जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे जितनी ज्यादा हमारी अप्रोच होगी। एक दिन में वी आर डूइंग 200 कॉल कनेक्टेड कॉल्स या 200 कॉल्स हम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, मतलब कि मतलब उससे ज्यादा कुछ बड़ा कोई चीज हो सकती है। लास्ट पॉइंट दैट इज जिसे हम अपनी नेचर में बसा सकते हैं, हम अपने मतलब अपने अंदर उसे बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव अफर्मेशन। एंड बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना है, जैसे कि संदीप महेश्वरी होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, राइट, उनसे मैंने सुना ये चीज एंड मैंने करके भी देखा है। इफ सपोज अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन रोज सुनते हैं ना, तो उससे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हम गुड फील करते हैं। एंड वन थिंग, अगर आप सेल्स में हो ना, तो अपनी लर्निंग प्रोसेस कभी मत रोकना। अपनी अगर हम लर्निंग रोक लेते हैं ना, तो उस वजह से हम बहुत ज्यादा मतलब क्विट कर देते हैं यार, इस इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, हम क्विट करने पे आ जाते हैं इस इंडस्ट्री में, हम कुछ नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज हमारी लर्निंग हमारी रुक जाती है। एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, उन्होंने एक चीज बोली थी, दैट इज कि जब तक हमारी लर्निंग रहेगी ना सेल्स में, तब तक हमारी ग्रोथ रहेगी। कोई पर्सन पूछता है ना कि सर मैं इस कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूं, मेरी ग्रोथ क्या है, अरे यार आप सेल्स इंडस्ट्री में हो, आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, पर पहले लर्निंग तो करो। आप तो पैसा देने वाले हो ना, कंपनी को वही पसंद है जो पैसा देते हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट पैसा देते हैं, राइट, बट आप ऐसे पर्सन हो, आपको बाकी सारे डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, आपको भी देती है कंपनी, बट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आपसे जनरेट हो रहा है। अगर एचआर डिपार्टमेंट है वो आपके लिए ढूंढ रहा है, वो रेवेन्यू जनरेटिंग पर्सन ढूंढ रहे हैं, कि उन्हें हायर इसलिए की जाते हैं कि आप जैसे लोगों को हायर किया जाए, समझ पा रहे हो। तो आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। बस सिंपल सी बात यह है कि अपनी आपको वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। एंड एट लास्ट ऑल दी वेरी बेस्ट, कोई अगर आपको आपकी सजेशन रहेगी इस वीडियो में या इसके बाद कि मुझे ये वाली वीडियो चाहिए, इसके ऊपर मुझे वीडियो चाहिए इन एंटायर सेल्स इंडस्ट्री, तो आप मुझसे कनेक्ट करो। आई हैव माई टेलीग्राम अकाउंट, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उस पर कनेक्ट करो। मैं अपनी जितने भी अपडेटेड वीडियोज होता है मैं उस पर डालता रहता हूँ, बहुत ज्यादा मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ उसमें, जो काम की होती है सेल्स इंडस्ट्री से, राइट। ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, एंड एट लास्ट आई विल से दैट यू आर इनफ फॉर योर सक्सेस। ऑल राइट, गुड बाय।